बाजार में तेजी लाकर कैसे छोटे निवेशकों को फंसाया गया, इस समय आपको शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अलर्ट होके सुनिए। बड़ी खबर लेके आया हूं, वीडियो के आखिरी में आपको देखने को मिलेगी काफी सारी अनाउंसमेंट, तो वीडियो पूरा देखिए। नमस्कार, मैं अंकित और आप है मार्केट मैस्ट्रो में। कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट होता है, हम सबको उम्मीद थी कि बाजार यहाँ पर बस अब तेजी पकड़ लेगा, लेकिन हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी यहाँ पर जाता है 11,600 तक, एक दिन में तकरीबन 500 पॉइंट यहाँ पर बढ़ जाता है, लेकिन फिर वहाँ से सिर्फ दो दिन की तेजी रहती है, उसके बाद लगातार एक हफ्ते बाजार यहाँ पर गिरे जाता है और निफ्टी वापस से आ जाता है 11,100 पे। सेंसेक्स की अगर आप बात करोगे तो देखो मैं एक पॉइंट भी लगा के रखा हूँ कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया गया। बाजार यहाँ पर 39,000 पे जाता है और मैंने वहाँ पर वर्ड यूज़ किया है ट्रैप, आप सबको यहाँ पर दिख रहा होगा ट्रैप। जैसे ही बाजार 39,000 पे जाता है, बहुत सारे छोटे निवेशक सोचते हैं कि अब बाजार में पैसा लगा दिया जाए, सेंटिमेंट ठीक हो गया, सब कुछ यहाँ पर ठीक हो गया है, और वो अपना पैसा जैसे ही बाजार में लगाते हैं अगले दिन भी तेजी रहता है और उसके दिन लगातार उसके बाद 6 दिन तक बाजार यहाँ पर गिरता चले जाता है और तकरीबन यहाँ पर 37,000 के आसपास पे पहुँच जाता है। तो इतनी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिलती है जबकि बुल यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। जबकि अगर आप देखोगे कॉर्पोरेट टैक्स यहां पर कट कर दिया गया है, बारिश यहां पर चल रही है, फेस्टिव सीजन यहां पर चल रहा है, तो काफी सरप्राइजिंग है कि एक्चुअली में ये बाजार में हो क्या रहा है। रीजन काफी सिंपल सा है, जीडीपी अभी आरबीआई ने फिर से अपना प्रोजेक्शन यहां पर बताया है फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए कि 6.9% से यहां पर जीडीपी उनका प्रोजेक्शन 6.1% पे आ गया है, जिसके कारण से यहां पर बाजार यहां पर अभी टूटा है। अब सबसे जरूरी बात कि क्या किया जाए इस मार्केट में। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट से जो बाजार में तेजी आएगी वो सिर्फ छोटे निवेशकों को, रिटेल निवेशकों को यहां पर फंसाने के लिए किया गया है, ताकि वो यहां पर 6 महीने के लिए बाजार में आके ट्रैप हो जाएं और जो ऑलरेडी पहले पैसा यहां पर लगा चुके थे वो यहां पर प्रॉफिट बुक कर रहे थे। देखिए कैसे ट्रैप लगा, मैं आपको यहां पर बताता हूं। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बाजार में पैसे मत लगाओ, जरा सा सुनिए। वो बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ये ट्रैप लगा है, क्या ये ग्रोथ ट्रैप है, क्या ये बुल ट्रैप है। तो देखिए ट्रैप क्या, ये छोटे निवेशकों के लिए ट्रैप लगाया गया है, तो मेरा जवाब है सीधा ट्रैप लगाया है। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें ना, तो फंडामेंटल इतने स्ट्रांग नहीं है कि बाजार 1900 और 1200 यहां पर बढ़त ले लेते, और कहीं ना कहीं यहां पर ट्रैप जो है ना वो यहां पर लग चुका है। किसके लिए लगा है? रिटेल के लिए। तो यहां तक मैंने बता दिया था कि रिटेल यहां पर आके फंसेंगे, वो जो नए खिलाड़ी है ना वो यहां पर आके फंस जाएंगे, उनको करना कुछ नहीं है, 6 महीने फिर उनको रुकना पड़ेगा बाजार से करने के लिए। आज देखिए जो लोग 39,000 पे निवेश किए होंगे, बहुत सारे लोग वहां पर पैसा लगाए, मैंने पहले भी बताया था कि FIIs और DIIs यहां पर पैसा नहीं लगा रहे हैं, पैसा मत लगाओ, वो अब आकर यहां पर फंस गए और वो अब 6 महीने तक यहां पर फंसे रहेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि सही समय पे आप हमेशा सही काम किया कीजिए। अब क्या करें शेयर मार्केट में और क्या करें म्यूचुअल फंड में, अच्छा बताता हूं ना थोड़ा सा, लेकिन पहले जान लेते हैं, 30 सेकंड लूंगा आपसे। देखिए बफेट की बात हमें यहाँ पर याद आती है, वो यहाँ पर बताया करते थे, ओनली व्हेन टाइड गोज आउट डिस्कवर हु इज बीन स्विमिंग नेकेड। बोलने का क्या मतलब है, जब तूफान आके चले जाता है तब हमें पता चलता है कि कौन नेक स्विम कर रहा है। बोलने का मतलब है जब बाजार यहाँ पर बुल फेस आता है, जब बाजार यहाँ पर बढ़ता है अचानक से, तो ऐसी कंपनियां जिनका कोई फंडामेंटल होता नहीं है वो भी यहाँ पर बढ़ जाती है, आलतू फालतू के शेयर भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं, तो लोग उस बढ़त में ऐसा लगा देते हैं। लेकिन जब बाजार में मंदी आता है, जब बियरिश फेस आता है, तो वो सारी कंपनियां सबसे ज्यादा गिर जाती है और सिर्फ अच्छी कंपनियां ही यहां पर रह जाती है। तब आप समझ जाते हो कि यहां पर बफेट क्या बता रहे थे। तो उनका लेसन देने का एक ही मतलब था कि हमेशा अच्छी कंपनीज में निवेश करिए जिनका बिजनेस अच्छा है, जिनका फंडामेंटल्स काफी अच्छा है। इस बार भी यही हुआ, जैसे ही कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट अनाउंस किया गया, बाजार में यहां पर बहुत बड़ी तेजी दिखाई दी, बहुत सारे लोग यहां वहां कोई भी कंपनी में पैसा लगा दिए। पिछले एक हफ्ते से लगातार बाजार यहां पर तेजी के साथ गिर रहा है। अब वो सारे लोगों को यहां पर रियलाइज हो रहा है कि वो जो कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया था वो लगातार डूबते हुए जा रही है और अच्छी कंपनियां यहां पर काफी कम गिर रही है। और मैंने हमेशा से आपको बताया है कि इस मंदी में आप यहां पर वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, काफी सस्ते आपको अच्छी अच्छी कंपनीज मिल रही है, हिस्टोरिकल वैल्यूएशन पे यहां पर मिल रही है, इन्हें आप एक्यूमुलेट करते रहिए।
अब शेयर मार्केट में क्या करें, सबसे पहले बताता हूं, फिर बताऊंगा मैं आपको कि म्यूचुअल फंड में यहां पर क्या करें। तो देखिए शेयर मार्केट में सबसे पहले आते हैं कि अभी भी मैं बोल रहा हूं, पहले भी मैं बोला था, पैसे मत लगाओ, रीबैलेंस करो। रीबैलेंस क्या होता है, देखिए अगर बाजार यहां से बढ़ता है तो आपने जो यहां पर पुअर फंडामेंटल्स वाले शेयर ले लिए ना, यस बैंक ले लिया है, कैफे कॉफी डे ले लिया है, मनपसंद ले लिया है, आलतू फालतू के शेयर यहां पर ले लिया, वो सोच रहे हो कि वो यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, नहीं ऐसा मत करो, सारे शेयर को यहां पर बेच दो। क्या लेना है तो दिमाग नहीं लगाना है, क्या लेना है, देश की 10 सबसे बड़ी कंपनी फिगर आउट करो, देश की 10 सबसे बड़ी कंपनी का स्टॉक में पैसा लगा दो, सिंपली आपको ये करना है। और अगर मार्केट यहां से गिरता भी है तो भी आप धीरे धीरे देश की 10 सबसे बड़ी कंपनी को यहां पर एक्यूमुलेट करते जाओ। जब बुल फेस आएगा ना, जब एक दो साल में बुल फेस, बहुत बड़ा बुल फेस आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिलेगा, बाजार ऐसे ऐसे धीरे बढ़ने लगेगा, तब आपको पता चलेगा कि शेयर बाजार में आपका डिसीजन यहां पर कितना सही था। म्यूचुअल फंड में यहां पर क्या करें, तो देखिए म्यूचुअल फंड में सिंपल सा है, रीबैलेंस आपको म्यूचुअल फंड में भी करना है, एक्स्ट्रा पैसे मत लगाओ। अगर स्मॉल कैप मिड कैप में आपकी SIP या SWP चल रही है, STP चल रही है, तो आप उसे कंटिन्यू करो, SWP एक दो महीने के लिए रोक दो। रीबैलेंस क्या करना है, अगर आप यहां पर चार चार ELSS फंड ले लिये हो, या कोई एक कैटेगरी के आप यहां पर तीन तीन चार चार फंड लेकर रखे हो, रीबैलेंस कर दो, स्विच करो उसको, हर कैटेगरी के एक फंड रखो, चार से पांच फंड अपने पोर्टफोलियो में रखो, पोर्टफोलियो सुधार लो, स्विच कर लो, काफी अच्छा समय है यहां पर अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए, और नए लोग के लिए भी काफी अच्छा समय है इस समय बाजार में एंट्री करने के लिए थ्रू म्यूचुअल फंड। और आखिरी में यही बोलूंगा ना कि जो डायनामाइट है वो यहां पर बिछाते रहो। कुछ अनाउंसमेंट है आपके लिए, क्योंकि यहां पर चल रही है दिवाली, चल रहा है फेस्टिव सीजन, और यहां पर बहुत कुछ मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले यहां पर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, अक्टूबर में यहां पर काफी मजा आने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए यहां पर लेकर आने वाला हूं सबसे पहले 3 बेस्ट शेयर मेरे तरफ से 2019 के लिए, जो मुझे यहां पर खुद काफी अच्छे पसंद आते हैं। इसके साथ साथ मैं लेकर आने वाला हूं आपके लिए 5 म्यूचुअल फंड यहां पर जो कि काफी पसंद है मुझे आपके पोर्टफोलियो के लिए। और आखिरी में आपके लिए यहां पर लेकर आने वाला हूं कि डायरेक्ट इक्विटी में, यानी कि डायरेक्ट शेयर में आप SIP कैसे यहां पर कर सकते हैं, जो मैं बार बार यहां पर बोलते रहता हूं, वीडियो काफी समय से पेंडिंग है, तो इस बार सोचा दिवाली है, चलो कुछ ना कुछ यहां पर लेकर आते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी ज्वाइन किया हुआ है और आप हमारे फैमिली मेंबर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए यहां पर निराश होने वाली बात नहीं है, आपके लिए हमारी टीम लगातार यहां पर रिसर्च कर रही है, और आपके लिए लेकर आएंगे हम एक नया स्टॉक, एक नया शेयर, 10 या 15 तारीख को वो रिपोर्ट मेरे हाथ में आ जाएगी, और उसके फिर बाद आपको वीडियो में वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहां पर बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप यहां पर अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो सब्सक्राइब के बाजू में आपको ज्वाइन बटन दिख जाएगा, वो दबाकर आप हमारी फैमिली मेंबर का यहां पर हिस्सा बन सकते हैं। तो अक्टूबर यहां पर हम काफी यहां पर मजेदार बनाने वाले हैं। लास्टली जाते जाते आपसे यही कहना चाहता हूं कि देखो, जिंदगी में कुछ पाना हो या बाजार में आपको पैसे बनाना हो, तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। क्या समझे मुझे नीचे कमेंट में बता देना, इसके साथ लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करना बाकी लोगों के साथ, ताकि उनको भी यहां पर पता चले। म्यूचुअल फंड बैंकिंग रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, हमारे चैनल को कर लो यहां पर सब्सक्राइब। अच्छा चलो, ज्यादा समय आपसे लेता नहीं हूं, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे जल्दी।